मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पाकिस्तानी मरीन कमांडो ने भारतीय मछुआरों पर गोलियां बरसा दी। एक अधिकारी के अनुसार एक भारतीय नौका गुजरात के पोरबंदर से 25 अक्टूबर को रवाना हुआ था। इसमें 7 मछुआरे सवार थे, जिसमें 2 मछुआरे महाराष्ट्र के थे और 4 गुजरात के और 1 दीव से मछुआरा इसमें सवार था। गुजरात के समुद्री तटीय इलाके में शनिवार को पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जवानों ने मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें 1 मछुआरे की जान चली गई और 6 मछुआरों को बताया जा रहा है कि अपहरण कर लिया गया था। जिस मछुआरे की मौत हुई है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाला था, जिसका नाम श्रीधर रमेश बताया जा रहा है, जबकि एक अन्य मछुआरा घायल है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब गुजरात में द्वारका के नज़दीक मछुआरे मछली पकड़ने गए थे और उसी समय पाकिस्तानी मरीन कमांडो की बोट वहां आ गई और उन्होंने तत्काल मछुआरों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। वैसे तो मछुआरे तटीय सीमा से लगकर हमेशा मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और इस दौरान भारत और पाकिस्तान के मछुआरे एक दूसरे की सीमा पार करने की वजह से ये पकड़े जाते हैं और इसी वजह से सालों जेल में इन्हें रहना पड़ता है। मगर जो कमांडो ने इन भारतीय मछुआरों पर गोलियां चलाई है, बताया जा रहा है कि इन मछुआरों पर पाकिस्तानी कमांडो ने बेवजह गोलियां चलाई थी और इसीलिए गुजरात पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के 10 जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।